सोनभद्र की धरती ने उगले सोने के भंडार। देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। सोनांचल के नाम से मशहूर सोनभद्र की पहाड़ियों में सोने का अकूत भंडार मिला है, जिसकी कीमत जानकर ही दिमाग की बत्ती जल उठेगी, क्योंकि ये भंडार कोई 1-2 करोड़ का नहीं और न ही 100-200 करोड़ का है, बल्कि सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से इस सोने के अकूत भंडार का मूल्य 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि केवल सोना ही नहीं मिला, बल्कि सोनांचल की पहाड़ियां कई बहुमूल्य खनिजों से लबालब हैं। ठीक से कहें तो जमीन के अंदर खनिजों का समंदर छिपा है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको इस सोने के खजाने की वो तमाम बातें बताने वाले हैं जो आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देंगी। क्योंकि इस बात की भनक कभी अंग्रेजों को भी लगी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब ये खजाना भारत की तकदीर बदलने वाला है। भारत के कुल सोने के भंडार से 5 गुना सोना। किसी समय भारत को उसकी बड़ी धन संपदा के चलते सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन तेजी से वक्त बदला और इस खजाने को दुनिया भर के लोग लूटते रहे। अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मिले करीब 12 लाख करोड़ रुपए की कीमत वाले 3,350 टन सोने ने एक बार फिर से भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भारत के पास करीब 626 टन सोने का भंडार है। वहीं सोनभद्र जिले में मिला सोना इससे करीब 5 गुना ज्यादा है। अब माना जा रहा है कि सोने के रिजर्व को लेकर भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो सकता है। सोनांचल की पहाड़ियों ने उगला 3,350 टन सोना। सोनभद्र की पहाड़ी में 3,350 टन सोना दबा है। भूभौतिकीय सर्वे के दौरान सोनांचल की पहाड़ी में सोने के साथ लोहा सहित भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे हैं। जिले के कई भूभागों में हेलीकॉप्टर से भूभौतिकीय सर्वे जारी है। इस सर्वेक्षण में विद्युत चुंबकीय एवं स्पेक्ट्रोमीटर उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों का कुछ भाग हेलीकॉप्टर्स के नीचे लटका रहता है, जो कि जमीन की सतह से 60 से 80 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। सोनभद्र जिला कलेक्टर एन राजलिंगम ने भी इस बात की पुष्टि की है। वैसे तो पिछले कई सालों से खनिज तत्वों की खोज में स्वर्ण पत्थर के साथ लोहा समेत कई खनिज संपदा के मिलने की बातें हो रही थीं, लेकिन अब जमीन के भीतर छिपे विशाल खजाने की अनुमानित शक्ल भी सामने आ गई है, जिसके बाद से यूपी सरकार बेहद उत्साहित है, क्योंकि खजाने के कारण भारी राजस्व की राह खुल गई है। जमीन के भीतर छिपा है कितना सोना। सोनभद्र की सोन पहाड़ी में सबसे ज्यादा 2,943.26 टन और हल्दी ब्लॉक में 646.15 किलो सोने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कुल सोना 3,350 टन से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सोनांचल की कोख खनिज संपदा से लबालब है। सोनभद्र के भूभाग में यूरेनियम वर्ग के अन्य खनिज तत्वों का भी पता चला है। यहाँ के छिपिया ब्लॉक में सिलिमेनाइट की 10 मिलियन टन की मात्रा छिपी है। इसी तरह जिले के पुलवर सलईडी ब्लॉक में कुछ भागों में इस सर्वे के दौरान एंडासुलाइट अब तक पाया गया है। इनकी मात्रा 100 मिलियन टन बताई जा रही है। जिले के कुर्छा और बरवा डी ब्लॉक में जमीन के अंदर करीब 10 मिलियन टन पोटाश छिपे होने की बात भी सामने आई है। वहीं भरहरी ब्लॉक में करीब 19 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। क्या है सिलिमेनाइट और एंडालुसाइट? सिलिमेनाइट और अलुवनो सिलिकेट खनिज है। इसका नाम अमेरिका के रसायन शास्त्री बेंजामिन सिलिमेन के नाम पर पड़ा है। तापरोधक सामग्री के अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य कार्यों में होता है। एंडालुसाइट का प्रयोग स्पार्क प्लग और पोर्सिलेन बनाने में होता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर समेत कई स्थानों पर यह मिलता है। अंग्रेजों ने भी की थी सोने के खजाने की खोज। सोनांचल के गर्भ में सोने के भारी खान का पता लगाने में सरकार को 40 साल से अधिक का समय लग गया,
इतना ही नहीं, गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने भी सोने की खान का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। आजादी से पहले ही सोने के लिए हुई खोज के चलते ही पहाड़ी का नाम सोन पहाड़ी पड़ गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ के आदिवासी इसे सोन पहाड़ी के नाम से ही जानते हैं। इन्हें इस बात का तनिक भी इल्म नहीं था कि इन पहाड़ियों के गर्भ में 3000 टन सोना दबा पड़ा है। सोनभद्र जिला पहले से ही खनिज संपदा के लिए पूरे देश में विख्यात है, लेकिन अब यहाँ पर सोने के अपार भंडार मिलने के बाद ये पूरी दुनिया की निगाह में आ गया है। ये काम एकाएक नहीं हुआ, बल्कि इसकी खोज और पुख्ता करने में वैज्ञानिकों की टीम को 40 साल का लंबा वक्त लग गया। सरकारी अभिलेखों के अनुसार सोनभद्र में सबसे पहले सोने की खोज 1980 के दशक में हुई थी। इस दौरान कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद दूसरी खोज 1990 से 1992 में की गई थी। इसी दौरान सोने की जगह को चिन्हित किया गया था। तीसरी और चौथी खोज 2005 से लेकर 2012 के दौरान कई चरणों में की गई थी। इसी दौरान सोने की खोज को अमली जामा पहनाया गया था। डॉक्टर पृथ्वी मिश्रा ने किया था सोने का खुलासा। सोनभद्र में सोने की खोज पर काम करने वाले अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी मिश्रा ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया था कि यहाँ सोने की बड़ी चट्टान है। सोने की ये चट्टान 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 18 मीटर गहरी है। इस चट्टान की चौड़ाई 15.15 मीटर है। डॉक्टर पृथ्वी मिश्रा साल 2011 में रिटायर हो चुके हैं। इनका कहना था कि सोने का ये भंडार दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी हरदी और सोना पहाड़ी में जमीन के नीचे सोना दबा है। तब सबसे ज्यादा सोना पहाड़ी में 2943.26 टन सोना बताया गया था। वहीं हरदी में 646.15 किलोग्राम सोना मिलने की बात बताई थी। डॉक्टर पृथ्वी मिश्रा ने इस पर काफी काम और रिसर्च किया था। सोने के भंडार की पुष्टि साल 2012 में कर दी गई थी, लेकिन इस दिशा में काम अब शुरू हो रहा है। देरी के पीछे अफसरों ने सोने की गुणवत्ता और सरकार के आदेश का हवाला दिया है। देश भर की खनन टीमों ने डाला डेरा। जिस पहाड़ी में सोना मिला है उसका रकबा 108 हेक्टेयर है। सोने की पहाड़ियों में तमाम कीमती खनिज संपदा होने के नाते पिछले 20 दिनों से हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 3000 टन सोना मिलने के बाद उसके उत्खनन में तेजी लाने के लिए सरकारी प्रयास तेज हो गए हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने जिले में डेरा डालकर खनन से पूर्व हर एंगल पर काम करना शुरू कर दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के 2 हेलीकॉप्टर्स जिले में लगातार डेरा डाले हुए हैं। टीम हेलीकॉप्टर से मेडल लटकाकर चिन्हित स्थान के आसपास भ्रमण कर रही है। खनन विभाग अब वन विभाग की भूमि के नक्शे से सीमांकन का मिलान करके ये देखेगा कि कहीं ये जगह वन भूमि में तो नहीं आ रही है। अगर ये खदानें वन भूमि के दायरे में आएंगी तो इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, ताकि इस भूमि को धारा 20 के तहत अधिग्रहित किया जा सके। सोनभद्र डीएम के मुताबिक परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान समेत कई केंद्रीय संस्थाएं लगातार जुटी हैं, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और झारखंड के गढ़वा में हेलीकॉप्टर के जरिए जियोफिजिक्स सर्वे को अंजाम दे रही हैं। सरकार कैसे निकालेगी सोना? सोनभद्र में सोने के उत्खनन का रास्ता साफ होने से पहले खनिज निदेशालय जियो टैगिंग करवा रहा है। जियो टैगिंग के लिए शासन ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसके बाद ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया योगी सरकार द्वारा की जाएगी। सोने के ब्लॉक्स की नीलामी ई टेंडरिंग के जरिए होगी। खनन चालू होते ही प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा।